नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन्ड में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि का अध्ययन करेंगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली अभी यूज नहीं होती है, क्योंकि उसकी प्रूविंग इस ढंग से की गई है कि उसमें बहुत सारे लक्षण उभर के सामने नहीं आए हैं। तो ये बहुत जो भी विवरण मैंने लिखा अपने अनुभव के आधार पर, क्लिनिकल अनुभव के आधार पर, तो काफी लंबा है। तो उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी औषधि में, लेकिन जब हम किस पर लेक्चर देंगे तो उसमें ऐसी संभावना है कि उसमें बहुत से पॉइंट छूट सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको जो भी इसका वर्णन है उसको लिख लिया है, और मैं उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको लिखे हुए पॉइंट पढ़कर भी सुनाऊंगा, ताकि इस औषधि का जो कुछ मेरे को आता है वो सब मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो इसको इसी अंदाज में लें, क्योंकि जब याददाश्त के बल पर हम इसको करेंगे तो उसमें संभावना है कि बहुत सारे पॉइंट इधर उधर हो जाएं, और जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो पूरी तरह से शायद आपको न मिल पाए। तो मैं इसको पढ़ता हूं अभी। जो ब्रोमियम औषधि है, नॉर्मली उसको हम मानसिक आधार पर नहीं देते हैं, क्योंकि उसको मानसिक जो लक्षण है उसके, जो हमारी मेट्रो मेडिका में दिए हुए हैं, उनको सामान्यतः बहुत अच्छे से समझा नहीं गया है। नहीं देने का मतलब यही होता है कि समझा नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस औषधि के रोगी हमारे क्लिनिक पे आते नहीं है। जब हमको औषधि मालूम ही नहीं है तो अगर पेशेंट उस औषधि का भी होगा तो वो हमको नजर आएगा नहीं। तो यही एक बड़ी वजह है कि हम ब्रोमियम को बहुत अच्छे से अपने क्लिनिक में रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको रोजमर्रा के जीवन में मरीजों के साथ उपयोग में ला सकते हैं। डॉक्टर कैंट जो कहते हैं कि इस औषधि का प्रभाव जो लैरिंग्स है और ट्रैकिया है उस पर सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे बच्चे या बड़े लोग जो हर प्रकार से हस्त पुष्ट हैं, मतलब रोबस्ट, जिनमें जोश है, वाइटल फोर्स बहुत तीव्र है, जिनकी रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, मतलब वो मरे गिरे नहीं, एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं ये लोग, तो परंतु जब किसी कारणवश इनका शरीर गर्म हो जाता है, गर्म का मतलब बुखार नहीं, बुखार के अलावा गर्म हो जाना, जैसे कि बहुत देर बाहर गर्म वातावरण में रहना, बहुत तेज एक्सरसाइज करना, गर्मी के मौसम में मेहनत करना, बहुत ज्यादा सोच से रहना, चिंता फिक्र करना, कोई गर्म चीजें खा लेना, जैसे जिनको हम गर्म तासीर वाली चीजें कहते हैं, जैसे प्रोटीन है, नॉन वेज है, बहुत ज्यादा तला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की गर्म चीजें, गर्म मसाला है, तो उनसे इसकी जो लैरिंग्स है उसमें एक स्वेलिंग जैसी आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये मैं कैंट साहब की बात आपको बता रहा हूँ। तो कुछ ही देर पश्चात उसका गले में बलगम आ जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। बुखार भी बहुत तीव्र होता है, क्योंकि ये रोबस्ट आदमी जितना होगा, जितना वाइटल फोर्स स्ट्रांग होगा, उतनी ही रिएक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए इस रोबस्ट होने के कारण इसके अंदर बुखार तेज आता है, 103, 104, 105। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, बुखार तीव्र हो सकता है, गले में ऐंठन और सिकुड़न का एहसास होने लगता है, जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग गई है कोई चीज, तो जैसे इसको ऐसे लगता है जैसे तो मेरा दम ही घुट जाएगा, इस किस्म का गले में एहसास होता है। परेशानी इतनी तीव्र होती है कि उसको लगता है कि मुझे तुरंत इस स्थिति में से निकलने की छटपटाहट उसमें होती है, क्योंकि लगता है कि चोक हुआ तो मैं मरा, बर्दाश्त के बाहर है। इस रोगी की समस्त तकलीफें शरीर में अति गर्मी बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है।
अब ये गर्मी दोनों तरह की होती है, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। जैसे बाहर वाली तो बाहर जो टेम्परेचर है, गर्मी है, उसमें काम करना। आंतरिक गर्मी होती है, जो कोई गर्म चीज खाना, ज्यादा सोचना, कम सोना, भाग भाग दौड़ करना, चिंता फिक्र करना, ये आंतरिक गर्मी बढ़ने की वजह होती है। तो जितनी भी बीमारियां इसमें आती हैं ब्रोमियम के अंदर, इनिशियल स्टेज में बहुत एक्यूट होती हैं, जिसके कारण रोगी इनसे छुटकारा पाने के लिए छटपट आता है, मतलब उससे चीजें टॉलरेट नहीं हो रही होती है। और छुटकारा पाने के लिए क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने इतना ज्यादा है ये, तो उसमें लड़ने की क्षमता होती नहीं है कि खुद अपने बल पे इन परेशानियों से वो छुटकारा पा सके। परंतु इस बीमारी के कारण उसको कोई अब उसको सबसे ज्यादा क्या होता है कि ऐसे फाइट करके वो थक जाता है, मतलब एक प्रयास छोड़ता है, पर डर बना रहता है कि अगर मेरी बीमारी बनी रही, ज्यादा देर चली, तो मेरा दम घुट सकता है, मुझको कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो मेरे शरीर का कोई ना कोई कैपेसिटी, कोई अंग बोलने का, देखने का, चलने का, कोई मसल वीक हो जाएगी, कोई कुछ ना कुछ उसका ऐसा परमानेंट डैमेज उसके शरीर में आ जाएगा। इस रूब्रिक को कहते हैं फियर ऑफ एपोप्लेक्सी। इसको हम बाद में सूक्ष्म रूप में समझेंगे। इसीलिए इस परेशानी को छुटकारा पाने के लिए वो तुरंत मदद चाहता है, क्योंकि खुद कुछ उससे नहीं हो पा रहा है, तो वो दूसरों से चाहता है जो इसको कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक होता है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, जल्दी से मुझे इससे छुटकारा मिला के एक अच्छी अवस्था में ले चलो, आप ले चलो, ना कि मैं खुद कर पाऊं। तो हमेशा ही इसका प्रयोग जो होता है एक्यूट में ही नहीं किया जाता, मतलब ये तो एक्यूट बातें बताई हैं, पर हमने देखा है कि इसका प्रयोग बहुत डीप जो बीमारियां होती हैं उनमें भी किया जाता है, यानी पुराने रोगों में, क्रॉनिक डिजीज में। और ये बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, हर मेडिसिन डीप एक्टिंग होती है, सुपरफिशियल कोई नहीं होती है, चाहे वो एकोनाइट हो और चाहे वो जिंकम हो, सब बहुत डीप एक्टिंग ही होती हैं। सिर्फ सिमिलिमम मिलने की बात है, अगर आपकी मैचिंग ही नहीं हो रही तो क्या डीप और क्या सुपरफिशियल, फिर तो काम ही नहीं करेगी। तो जब ये होती है, जो पुराने रोग हैं, तो उनमें तो मानसिक लक्षण उतनी तीव्रता से उभरते नहीं है, तो इसलिए इसको सूक्ष्म स्तर पे समझेंगे कि जब पेशेंट आएगा तो कैसे मानसिक लक्षणों को हम पहचानेंगे कि ये ब्रोमियम है। तो मानसिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी अब होता कैसा है, तो पहले तो आदमी स्वस्थ ही होता है, बाद में बीमार होता है, बीमार होकर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के लक्षणों को देता है वो। तो इसमें ब्रोमियम का रोगी कैसा होता है जबकि वो बीमार नहीं होता अपनी, यानी कैसे लोग हैं जो ब्रोमियम के लक्षणों को जन्म देते हैं। तो धीरे धीरे किन कारणों से खराब होती चले आती है, तो ऐसी अवस्थाओं को समझना अति आवश्यक है। ऐसा करके ही व्यक्ति की किसी भी मानसिक स्थिति में ब्रोमियम के लक्षणों को पहचान सकते हैं, यानी हमें पहले से मालूम होगा जब ही पहचान पाएंगे, ये नहीं है कि मरीज आया है तो हम पहचानेंगे। तो व्यक्ति का पुनः स्वस्थ स्थिति में ला सकते हैं, ठीक ऐसा ही, ये केवल नहीं कि हम ब्रोमियम में करते हैं, तो सबके साथ ऐसा ही करना होता है। प्रत्येक औषधि के बहुत, अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि भौतिक लक्षण अलग हैं और उसके मानसिक लक्षण अलग हैं, पर ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रूप हैं। तो इसलिए प्रत्येक भौतिक लक्षण को मानसिक लक्षणों में बदल कर समझना चाहिए, तब सूक्ष्मता आती है। जैसे कि ऐसा अगर व्यक्ति में मानसिक लक्षण है तो उसका भौतिक स्वरूप बाद में किन किन बीमारियों में बदलेगा, तो ये जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से ही बीमारियों में का जन्म उसके शरीर में जन्म होता है, क्योंकि सारे जब आपने देखा है कि ओरम ऐसा होता है तो उसमें ऐसी बीमारियां आती हैं। तो इसीलिए हमारी मेटर मेडिका के अंदर दिया हुआ है कि बहुत ये दवाई पर्टिकुलर इन बीमारियों में काम करती है। तो इसका मतलब हुआ कि इस किस्म के मानसिक अवस्था को रखने वाले, स्वभाव को, टेम्परामेंट को रखने वाले लोगों को शरीर पर इसका ये असर आएगा।
तो सीधा मतलब हुआ कि उसके मानसिक अवस्था में, स्वभाव में और बीमारियों में एक गहन संबंध होता है। तो उसको समझना जरूरी है, तभी हम हर पेशेंट को भौतिक अवस्था तक खराब होने से पहले ही एक्यूरेट सिमिलिनम देकर उसको ठीक कर सकते हैं, और ये जरूरी भी है। ना प्रत्येक भौतिक एंड मानसिक लक्षणों को उनके ग्रॉस रूप से आगे जाकर उनके सूक्ष्म स्वरूप अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप में, तो वास्तविक स्वरूप क्या होता है उस लक्षण का मेटाफोरिकल मीनिंग जो होता है वही रूब्रिक या शब्द का वास्तविक अर्थ होता है, और उसी अर्थ को हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं अनकॉन्शियसली। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम बोल क्या रहे हैं, या सामने वाला जब बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि इसी इसका ये मतलब है, पर जब पेशेंट आएगा तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस तरह हमारा दिमाग चलता है, कॉन्शियस माइंड में होता है। अच्छा, इसी सूक्ष्म स्तर पर ब्रोमियम औषधि की अच्छी अवस्था से खराब होने की अवस्था तक क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, अब उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जब भी जैसे अभी ऊपर बताया मैंने कि ब्रोमियम जो है वो बड़ा हस्ट पुष्ट रोबस्ट, जिसमें ताकत ज्यादा होती है, वाइटल फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन स्ट्रांग होती है। तो अब उस समय जब ऐसा रोबस्ट व्यक्ति होगा तो ये लोग आइडियल नहीं बैठ सकते, तो इनका कुछ काम धंधा जो भी इसने सोचा है उस काम धंधे में लगे रहते हैं, यानी जिस तरह किसी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं तो इनका पूरा फोकस उस चीज को कार्यान्वित करने में लगता है कि कैसे मैं उसको कार्यान्वित करूं, और उसको करता रहना चाहता है, खुद भी करते रहना चाहता है और दूसरों को भी उसमें शामिल करना चाहता है, अकेला नहीं चलता ये। तो इसका मतलब इसमें एक रूब्रिक है एक्टिविटी बिजनेस इन, मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, उनके सब के फोकस में इसका वो टारगेट होता है जो ये हासिल करना चाहता है। तो इसलिए क्या होगा, जब एक तरफ इसका दिमाग लगेगा तो बाकी बहुत सारी चीजें इसके दिमाग से छूट जाएंगी या इसको छोड़नी पड़ेंगी। तो जो भी उसका काम है उसी में लगता है, परंतु उसके काम अब ये दूसरों को भी उसमें लगाएगा ना, जब इसका इंसानों से तो कोई मतलब है नहीं इसको, तो इसको तो अपने काम से मतलब है, तो जो भी इसके पास आएगा उसी को अपने काम में लगा लेगा, और काम में लगाया काम इसके काम में क्यों दूसरे लोग लगेंगे, और लगेंगे भी मान लो थोड़े बहुत रिलेशन की वजह से या किसी प्यार की वजह से, शर्म की वजह से, किसी भी वजह से, तो उतने डीपली इन्वॉल्व इसके काम में हो नहीं सकते, इसके प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे, तो थोड़ा सुपरफिशियल काम करेंगे वो, तो इसलिए ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनको त्रुटि निकालता है उनमें। तो उसका रूब्रिक है सेंसोरियस क्रिटिकल। अब वो मान लो आपने किसी को त्रुटि निकाली, बता दी भाई देखो ये तूने ठीक से नहीं किया, इसको ऐसे कर, तो वो एक करेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन ये करेक्टिंग नहीं करता है, तो से ठीक से काम नहीं होता, तेरे को दिखने वाले ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो एक तो वो आपका काम करा रहा है, ऊपर से आप उसको ऐसा क्रिटिकल और डांट डूट का बदतमीजी के ढंग से बातें कर रहे हो, तो फिर कितने दिन या कितनी देर कोई भी आपके साथ उस काम में लगेगा, तो जाहिर है कि नहीं लगेगा, तो बचने की कोशिश करेगा, तो उसको लगता है कि लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी भावना तो उसको कि वो खुद एक ईमानदारी और बड़ी लगन से करता है, दूसरे लोग नहीं करते हैं, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चलती है, सिर्फ काम में नहीं चलती है, यानी वो खुद को बहुत परफेक्ट समझ के चलता है कि जो कुछ कर रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और वही करने से बड़ी सफलता मिलेगी उसको, और वह उनको सुधारने की कोशिश करता है, परंतु उसका ये सुधारना गलती बड़ा प्यार भरा नहीं होता है, बल्कि सारा दिन लोगों को डांटने डपटने वाला होता है। रूब्रिक इसमें दिया गया है बार्किंग, जैसे कुत्ते की तरह भौंकता है, तो हम बोलते हैं ना भाई जब कोई फालतू बोलता रहता है तो कहते हैं ये भौंकता रहता है सारा दिन, इसको कोई काम धंधा है नहीं, अभी उसको भौंक रहा था, वहाँ जाके भौंक रहा है, मतलब ये एक प्यार भरा समझाना नहीं है,
तो कभी तो प्यार से बोले ना, कुत्ता तो कभी प्यार से नहीं बोलता ना, वो तो जब बोलता है भौंक के ही बोलता है। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई भी काम तुम ठीक ढंग से नहीं करते हो, अच्छा इधर आओ, इसे इसे कर दो, वो कर दो, अच्छा यार ठीक ढंग से करो ना, तुमने ये क्या कर दिया है। तो ये लोगों के साथ वह पूरा समय डांट डपट कर आदेश आदेशात्मक भाषा में काम करता है, इसी को हम बाहर कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कब करेगा? वो तब करेगा ना जब खुद को उन दूसरे वालों से थोड़ा ऊपर समझेगा। तो ये ब्रोमियम अपने को औरों से ऊंचा समझता है और काम को ज्यादा महत्व देता है, वो काम जो इसकी नजरों में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि वो घरेलू काम धंधे को इम्पोर्टेंट दे रहा है, वो चाहे पापड़ बनाने का अगर काम इसके दिमाग में आ गया कि मुझको पापड़ बनाने हैं, तो अब इसका पूरा ध्यान पापड़ बनाने में लगेगा। अब मान लो इसकी घर वाले कह रहे हैं पापड़ कौन खाता है घर में, हमारे हमारे घर में कोई पापड़ खाता नहीं है, कभी एक आध बार कोई खाता है तो बाजार से ले आएंगे, तो सारा दिन पापड़ बना बना के क्या करेगी, तुमने पापड़ बना बना के ढेर लगा दिया है घर में, कौन खाएगा इनको। पर इसको इसका कोई असर नहीं होता, इसको लगता है कि बिना मतलब मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, मेरे हाथ बटाने की बजाय ये मुझ पर टोका टाके कर रहे हैं। अब मान लो ये घर में ये पापड़ बना रहे, तो इसकी कोई सहेली आ जाती है, और यार पुष्पा फलाने यार डुबके यार मेरे, अरे तू बड़े दिन में आई है, अच्छा चल तू यही राजा, मैं पापड़ बना रही हूँ, मैं कितने अच्छे बनाए मैंने, अरे चाय पिएगी तो चल एक बार मेरे लिए बना ला, अपने लिए भी बना ला। अरे वो घर में मिलने आई है तो उसको पापड़ छोड़ के इसको वेलकम करना चाहिए, उसका उसके अपनी पूछताछ करनी चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए, वो इसके पापड़ बनाने छोड़ जाइए, तो उल्टा पापड़ इसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। पापड़ एक उदाहरण है, ऐसा कोई भी काम हो सकता है जो उसके दोस्ती से प्यार के रिश्तों से हर चीज से ज्यादा ऊपर है, तो इसी के लिए कहते हैं इसको एक्टिविटी इन बिजनेस, उसी में लगा हुआ है सारा दिन। तो इसका मतलब अगर वो काम धंधा ठीक जैसे कर दे, वो पापड़ इसी बनाने में लग जाए, चाय बना जाए, तो इसको बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दुखी रहेगी। तो चीयरफुल ये मर्थ इस अवस्था में इसका दिमाग, जब ऐसा होगा यानी कोई विरोध नहीं होता तभी हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। तो इसका मतलब है कि उस अवस्था में तो इसका माइंड अच्छे से चलेगा, सब कुछ सोचेगी करेगी, जैसे कॉम्प्रीहेंशन ईजी यानी हर बात को तुरंत आसानी से समझ जाती है, किसी ने कुछ भी कहा वो समझ जाएगी, पर अपने काम को नहीं बदलेगी वो, क्योंकि काम तो दिमाग में घुसा हुआ है, काम माने लक्ष्य घुसा हुआ है, काम वैसे का मतलब लक्ष्य, जो कुछ भी करना है उसको, जो टारगेट हासिल करना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है दूसरों के लिए या नहीं है, पर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में तो उसको मिलना जुलना अच्छा लगेगा, तो अकेला नहीं रहना चाहेगा। अब उसको जब इतना काम कर रहा है वो, तो उसको लगता है हाँ भाई धीरे 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 मैं अपनी जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ मैं पहुंच जाऊंगा, यानी डेल्यूजन जर्नी ही इज ऑन जर्नी, मेरी यात्रा जारी है, टारगेट मंजिल पर मैं पहुंच जाऊंगा, यानी जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूँ उसको मैं कर लूंगा, इसी सोच के साथ और इसी विश्वास के साथ वो लगता है काम करता है। तो उसको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाने का एहसास और उसको अचीवमेंट हमेशा लोग में जोश भरते हैं, तो उसमें जोश भरा जाता है, तो कि बिजनेस है उसको करे तो सारी प्राप्ति इसकी सारी एक्टिविटी बिजनेस से जुड़ी है, बिजनेस का मतलब अपने सोचे हुए बिजनेस से, तो जो सफलता है उसको उसको एक्साइट करती है, इसके अंदर और ताकत बढ़ती है, तो इसीलिए एक्साइटमेंट एक्साइटेबल। तो इसी सफलता का बखान, अब जब इसे सफलता कर ली है, हम जब कुछ हासिल करते हैं तो उसको अकेले में नहीं एंजॉय करते, उसके इसको सबके साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए सबके साथ उसको उसका अपनी जो भी है उसको सबके साथ बखान करता है कि मैंने ये कर लिया, देखो मैंने इतने अच्छे पापड़ बनाए, जो भी कुछ करा है उसने, तो ये उनको सबको बताता है। इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, उधर एक्टिविटी बिजनेस, यानी कुछ फ्रूटफुल जो इसके लिए फ्रूटफुल है,
यानी इसकी निगाह में जो फ्रूटफुल है चाहे वो दूसरों की निगाह में बिल्कुल बकवास हो, तो जो इसकी निगाह में फ्रूटफुल है उसको काम पापड़ बनाना हुआ, कोई एग्जाम की तैयारी हुई या कुछ और हुआ, पेंटिंग हुई, कुछ भी हो सकता है वो तो ब्रोमियम व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है क्योंकि दिमाग अच्छे से चल रहा है तभी काम कर पाएगा। तो इतने जोश और लगन से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करने के कारण तो जो भी उसकी घरेलू जिम्मेवारियां हैं, इस काम के अलावा कुछ और भी जिम्मेवारी इंसान की जिंदगी में होती हैं, तो ये उनको थोड़े देर के लिए टालता है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भूल गया, उन जिम्मेदारियों का एहसास तो इनके दिमाग में रहता है कि मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, अभी बच्चे देखने, फलाना देखना है, पर उनका एहसास इसके दिमाग पर हावी नहीं होता है। थोड़ा सा जैसे 2% 5% दिमाग में वो काम भी रुके हुए हैं, इसके उनका एहसास बना हुआ है कि मुझको ये भी करना है, पर उनसे ज्यादा जरूरी वो है जो इसकी सोच के अनुसार जरूरी है, और बाकी लोगों के हिसाब से वो जरूरी है नहीं। तो एक टसल तो इसमें और इसके परिवार या मिलने जुलने वालों के बीच में बनी रहेगी और वहीं समस्याओं का कारण होता है। हारमोनी नहीं होती है तो फिर आपस में टकराव आना निश्चित होता है। तो ये दो किस्म का बोझा हो गया, एक घरेलू जिम्मेवारियों का जो भी है और दूसरा अपने टारगेट को हासिल कर, तो ये दोनों बोझे इसको तोड़ देंगे धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे इसका डिक्लाइन यानी पतन यानी खराबी की तरफ जाना ये शुरू हो जाता है। तो ऐसी जब खराबी की तरफ जाएगा यानी इसमें ताकत घटेगी तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है, बोरोस, क्रॉस, फ्रेटफुल, इल ह्यूमर, पीविश, धीरे धीरे याददाश्त घटती है क्योंकि जब जितना आप दिमाग की कैपेसिटी है जितना उसको इस्तेमाल करते जाओगे उतनी मेमोरी कम होती चली जाएगी, एडजस्ट होना चला जाएगा। तो इसको मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी, लोगों से उलझने लगता है, क्वलसम स्कोल्डिंग, धीरे धीरे काम के प्रति उत्साह घटने लगता है, इंडोलेंस, अवर्जन टू वर्क, परंतु वह अपने समस्याओं को दूसरों को नहीं बताना चाहता है और ना ही वह चाहता है कि उसके दूसरे उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें कि उसके साथ ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो उसने हमेशा एक रोबस्ट होके अच्छे से अपने निगाह में अच्छे से काम किया है, तो इसलिए हम नहीं चाहता कि दूसरे को इस साथ वो शेयर करे कि वो यह जाने कि इसके अंदर ये खराबियां आ गई। तो रीडिंग, अवर्जन टू रीडिंग, अवर्जन टू रेड, वो पढ़ना ये नहीं चाहता कि दूसरे उसको पढ़े, यानी दूसरे उसके अंदर इतनी बारीकी से देखें कि उनको समझ आ जाए कि इसके अंदर अंदर ये खराबियां इस कारण से आ गई हैं, उनको उसको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी धीरे धीरे शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, काम की सफलता में अड़चन आने लगती है, तो काम का उत्साह अभी होने लगेगा तो ओब्वियसली जिस काम को ये कर रहा था तो उसको घटाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वो बहुत जरूरी था, अब कैपेसिटी बची नहीं है, तो जो उत्साह है उसके साथ वो प्रोडक्ट शामिल नहीं हो रहा, प्रोडक्ट प्राप्त हो नहीं रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हिस्टीरिया, सेक्सुअल सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के सप्रेशन के कारण हिस्टीरिया का जन्म होना। अब इस काम के जोश को हम सेक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आप देखें जब एक आदमी में, इंसान में सेक्स का ड्राइव होता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, तो उसका पूरा फोकस उसी पे होता है, वो अपने को उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, और अगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, और अगर उसको उसमें उसकी वजह चाहे कोई भी हो, जैसे मान लो पार्टनर अवेलेबल नहीं है या ऐसा स्पेस अवेलेबल नहीं है या उसके अंदर कुछ कहीं से भी हो सकता है, यानी उसको वो चीज़ मिल नहीं रही है जिसके लिए इसको करना है, तो वो जोश इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसमें से तो ताकत खर्च होती है, वो फिर इसको स्टीरिया को जन्म देती है, फिर ये लोगों पे खुद को बीमार समझता है, लोगों को साथ चिड़चिड़ाता है, उदासी आती है, निराशा आती है, फाइट करने की ताकत घटती है
तो इन डिफरेंस टू डोमेस्टिक, तो हर तरह की चीजों को नजरअंदाज करते हैं। तो ये काम के जुनून को हमने इसकी तुलना इसलिए सेक्स से करी है क्योंकि ऐसे कोई भी रोगी आते नहीं है। 40 साल की प्रैक्टिस में हमारे को ऐसी समझ कभी आई नहीं कि इस रोगी को सेक्स दबाना पड़ रहा है। अगर किसी को शादी नहीं हुई या किसी का पार्टनर की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, अकेला हो गया, तो वहां भी हम ये नहीं कह सकते कि उसने सेक्स को डर को दबाया हुआ है। तो इसलिए ये काल्पनिक चीजों के सहारे हमको नहीं चलना बल्कि उसके सूक्ष्म अर्थ को समझ के चलना है। तो फिर बहुत सारे क्षेत्र में लग जाता है। सेक्स का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं, सेक्स में होने वाली फीलिंग, वो फीलिंग किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो वो मेटाफोरिकली एक ही लेवल की होती है और उनमें दवाई पूरी तरह से काम करती है। तो जब वो मिल नहीं रही, यानी ड्राइव उसको रोकनी पड़ रही है, तो वो जो सेक्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, तो इसको भी हम दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि डेल्यूजन फास्टिंग, यानी अब ये डेल्यूजन फास्टिंग और उधर सेक्सुअल डिजायर का सप्रेशन होना दोनों लगभग एक ही बात हो। अगर ऊपर से देखने में दोनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अगर उनको सूक्ष्मता में जाएंगे तो दोनों एक ही चीज बन गई है। तो इसलिए हमें ये हर रूबरिक को, हर वर्ड को उसके मेटाफोरिकल लेवल पे जाके बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे समझना होगा, नहीं तो दवाई की जो गहनता है ना हम उसको समझ पाएंगे और ना हर किस्म के रोगी, चाहे वो 2 दिन का बच्चा है या 100 साल का बूढ़ा है, वहां तक फिर हम उसको लगा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हर दवाई का एक स्फीयर हम लोगों ने बना लिया है कि बच्चों की दवाई है, ये औरतों की दवाई है, ये बूढ़ों की दवाई है, ये हाउस मेड रेमेडी है, ये मतलब अलग अलग ऐसे नाम हम, ये एक्यूट रेमेडी है, ये मतलब क्रॉनिक रेमेडी है, ये माइजमेटिक, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारा कुछ हमने हमारी अज्ञानता का जन्म है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम हर मेडिसिन को एक सूक्ष्म स्तर पर समझें और इसका प्रयोग, हर मेडिसिन का प्रयोग हर बीमारी में और हर एज ग्रुप में, हर सेक्स में कर पाए। और हम करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, विद इन सेकेंड रिजल्ट मिलते हैं। तो फास्टिंग को हम समझते हैं क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्सी या बड़ा ऐसा मतलब है जिसको नॉर्मल भाषा में तो हम समझते हैं, पर हम इसको होम्योपैथी की भाषा में कैसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि फास्टिंग का होम्योपैथी में मतलब अलग है और इंग्लिश में मतलब अलग है, ऐसा नहीं होता। पर इंग्लिश में जो मतलब है उसी के सूक्ष्म रूप को हम अपने होम्योपैथी में कैसे काम में लेंगे वो समझना है। जैसे फास्टिंग को हम नॉर्मल तरीके से समझते हैं व्रत करना। तो व्रत में अगर हम देखें तो क्या करते हैं, जो हमें नहीं खाना, जैसे मान लो हम कहते हैं आज हमने देवी का व्रत किया, तो उसके अपने एक प्रोटोकॉल है कि हमें ये काम नहीं करना है। रमजान के अपने प्रोटोकॉल है, नवरात्रों के अपने प्रोटोकॉल है, शिव जी के अपने प्रोटोकॉल हैं। तो ऐसे सब लोग उसी नियम से चलते हैं कि ये अब हम नहीं करेंगे, इतने देर के लिए, इतने दिन के लिए। तो वो एक वॉलेंट्री इच्छा से लिया हुआ फैसला होता है कि ये काम हम नहीं करेंगे। तो वो चीज अवेलेबल नहीं हो रही। अब जैसे मौन व्रत होता है कि मैं 4 दिन का मौन व्रत कर रहा हूं, यानी 4 दिन तक मैं बोलूंगा नहीं। तो यानी जो नॉर्मली हम बोलते हैं उसने हमने खुद ही अपनी इच्छा से अपने पे वो अंकुश लगा लिया मौन व्रत का। या कोई कहता है कि भाई मैं कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ कि अब नवरात्रे आ गए हैं, तो नवरात्रों में हम अब सेक्स का व्रत रखेंगे, यानी अब इसमें हम व्रत नहीं, सेक्स नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है। लेकिन व्रत दूसरे द्वारा भी हमारे पर थोपे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई टेस्ट कराना होता है, जब डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आप टेस्ट कराइए, तो कहते हैं खाली पेट कराना पड़ेगा, या USG है तो ये खाली पेट करानी है, तो आपको 24 घंटे फास्ट करना है, यानी 24 घंटे आपको कुछ खाना नहीं है। तो उसने अपनी मर्जी से नहीं रोका है, पर डॉक्टर की सलाह से रुका,
तो वो जो खाना उसको चाहिए, जो रोज चाहिए था, वो अब उसको नहीं मिल रहा है। तो इसको हम फास्टिंग कहते हैं। तो दो किस्म की फास्टिंग हो गई, एक अपनी मर्जी से करे जाने वाली फास्टिंग और एक वो फास्टिंग जो दूसरों के द्वारा उसके ऊपर लगाई गई है। तो दोनों ही अवस्थाओं में एक ही चीज है कि उसको जो मिलना चाहिए था, जो रोजमर्रा में ले रहा था, कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा, यानी उसको अपनी नीड पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये फास्टिंग है। जैसे अब इसको अगर हम उसमें लें, ये तो